A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take SST classes. As we have read earlier about the key elements of democratic government, today I am going to start a new chapter, that is chapter number 5, Panchayati Raj. This is the chapter from our third unit, that is local government and administration. So this is the first chapter of our third unit, that is chapter number 5, Panchayati Raj. You have already listened about the Panchayat and Gram Sabha and all these things. So what do you understand by Sarpanch and the Panches and the Panchayats, where these all are used to be held? तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? गांव में होती हैं, स्मॉल जो विलेजेस होते हैं उनके अंडर में होती हैं ये सारी चीज़ें, है ना। सो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। हियर समथिंग इज गिवन अबाउट द चैप्टर, लेट्स गेट थ्रू इट। व्हाट हैपेंस आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? हाउ आर डिसीजंस मेड, जो डिसीजंस होते हैं, फैसले होते हैं, वो कैसे लिए जाते हैं? Let's look at how this takes place in rural areas. चलिए देखते हैं कि rural areas में ये जो decisions हैं ये कैसे work करते हैं, कैसे लिए जाते हैं। Here we look at the Gram Sabha. यहाँ पे हम लोग आज Gram Sabha के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। Gram Sabha क्या होती है? Gram Sabha is a meeting where people directly participate. जहाँ पे लोग क्या होते हैं? Directly participate करते हैं, means वो खुद से आके और अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हैं और गवर्नमेंट जो है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें वो इलेक्ट करते हैं, उनसे आंसर्स लेते हैं, आंसर्स मांगते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट दी पंचायती राज, दी ग्राम सभा एंड दी पंचायत। ओके, सो इट्स अ स्पेशल डे टुडे। हियर इज अ स्टोरी और अ इंसिडेंट इज गिवन ऑफ अ विलेज, दैट इज हरदास विलेज। हरदास नाम का विलेज है, वहाँ पे न्यू पंचायत थी, मतलब न्यू ग्राम पंचायत इलेक्ट हुए हैं, जो न्यू पंचायत के मेंबर्स हैं वो न्यूली इलेक्ट हुए हैं, तो सभी लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं अपने नए मेंबर्स और उनके आइडियाज़ और उनके प्लानिंग्स को जानने के लिए कि उन्होंने विलेज के लिए क्या नए नए प्लान्स लाए हैं। सो इट्स अ स्पेशल डे क्योंकि ये नई पंचायत है, नया इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद वो लोग पहली बार पंचायत से मिलेंगे, तो सभी के लिए क्या है, स्पेशल दिन है। सभी लोग ग्राम सभा की तरफ क्या है, भाग रहे हैं, मीन्स जाने के लिए जल्दी जल्दी अपने सारे काम को फिनिश करके उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। डू यू नो व्हाई, एज आई हैव टोल्ड यू, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि जो इलेक्शंस है वो न्यू ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ है और ये पहली मीटिंग है इलेक्शन के बाद, तो सभी लोग ये जानने के लिए कि जो पंचायत के लीडर्स हैं उन्होंने क्या क्या प्लानिंग की है विलेज के लिए, ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, अग्रसर हैं। ग्राम सभा, दी ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद दी पंचायत प्रेसिडेंट। ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो पंचायत के प्रेसिडेंट से स्टार्ट होती है, जिसे हम सरपंच भी कहते हैं, और जो मेंबर्स ऑफ पंचायत होते हैं, जो मेन प्रेसिडेंट होता है उसे हम सरपंच कहते हैं, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं पंचायत के उन्हें हम क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। सो प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। तो जो पंचायत के प्रेसिडेंट और मेंबर्स हैं वो मीटिंग को स्टार्ट करते हुए बताते हैं कि जो उनके पास प्लान है वो क्या है, दैट दे वांट टू कनेक्ट द विलेज रोड टू द मेन रोड। मेन रोड मींस जो हाईवे वाली रोड है, उससे अपने ये विलेज की रोड को, अपने गांव की रोड को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि लोगों के लिए आना जाना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। और इसके बाद क्या होता है, जो डिस्कशन है ये तो एक नॉर्मल सा प्लान था कि हाँ जो पंचायत से हमारी इन्होंने ये प्लानिंग की है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या उठता है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वाटर और वाटर शॉर्टेज, मीन्स पानी और पानी की जो कमी है उसका मुद्दा उठता है पंचायत में। सो हेयर इन अ बॉक्स देयर इज गिवन समथिंग, सो लेट्स गेट थ्रू दे। The Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a panchayat. जो ग्राम सभा होती है वो सभी बड़े लोगों के लिए, मीन्स जो adults होते हैं फैमिली में, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए ये मीटिंग होती है, जिसमें पंचायत पंचायत की जो भी एरिया पंचायत के अंदर आता है, मीन्स जो ग्राम सभा के अंदर आता है, जो भी एरिया, चाहे वो एरिया क्या हो सकता है, एक विलेज हो सकता है, अगर छोटा विलेज है तो एक दो और विलेज भी आ सकते हैं, ठीक है, बट ये बड़ी बड़ी सिटीज़ नहीं होती हैं, स्मॉल विलेजेस वगैरह होते हैं, यही सब ग्राम सभा के अंदर
आते हैं। इन सम स्टेट्स एज इन द एग्जाम्पल अबव एज वी हैव सीन द एग्जाम्पल अबव, क्या होता है जो मीटिंग होती है वो हर विलेज के लिए होती है, मीन्स हर विलेज की अपनी अलग मीटिंग रखी जाती है जिसमें कि जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं, पंचायत सरपंच और जो पंचायत होते हैं वो प्लान्स वगैरह विलेजर्स के साथ में डिस्कस करते हैं। एनी वन हु इज़ 18 ईयर ओल्ड और मोर और हु हैज़ द राइट टू वोट, जिसके पास जो भी 18 साल से बड़ा है, जिसके पास भी राइट टू वोट वोट करने का अधिकार है, वो ग्राम सभा का मेंबर बन सकता है। ओके सो दिस इज अबाउट द ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है और कौन लोग हैं जो ग्राम सभा में इलेक्ट हो सकते हैं, वी हैव रेड अबाउट दैट। हियर इज अनदर बॉक्स इज गिवन इन विच देयर इज सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज, सो लेट्स गेट थ्रू इट। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इन टू टू वार्ड्स, हर विलेज पंचायत जो है वो दो वार्ड्स में डिवाइड होती है। दो वार्ड्स में डिवाइड होना मतलब छोटी छोटी वार्ड्स में, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड होती हैं। इन टू वार्ड्स मीन्स छोटे एरियाज में, मीन्स अगर बहुत बड़ा गाँव है तो उसे छोटे छोटे वार्ड में, वार्ड नंबर 1, वार्ड 2, वार्ड 3 ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। एंड ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव, और हर वार्ड अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है जो कि वहाँ का वार्ड मेंबर कहलाता है या तो फिर पंच उसे कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच, और ग्राम सभा के सभी मेंबर एक सरपंच भी इलेक्ट करते हैं। सरपंच का भी चुनाव होता है जिसे इंग्लिश में पंचायत प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। द वार्ड पंचर्स एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। जो ग्राम पंचायत है वो कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट की जाती है, फॉर द 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स फिर से इलेक्शन होता है, लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े करते हैं एंड विद जिसे भी लोग चूज करते हैं उनमें से जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होता है वो एज अ ग्राम सभा का मेंबर या ग्राम प्रेसिडेंट, सरपंच या तो फिर पंच के प्लेस पे इलेक्ट होता है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि ये जो इलेक्शंस होते हैं ये हर 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट या अकॉर्डिंग टू दी अदर थिंग्स इनके टाइम पीरियड डिसाइडेड होते हैं कि इतने टाइम के बाद दोबारा इलेक्शन होगा। और ये रीज़न मैंने क्यों बताया था, जिससे कि जो लोग हैं वो अपने आप को भगवान ना समझने लगे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास में पावर होती है क्योंकि, और फिर अगर उन्हें चुनाव का डर नहीं होगा तो ना ही वो कोई काम करेंगे और ना ही कुछ करेंगे, वो समझेंगे कि वो खुद को भगवान समझेंगे। तो ये चीज़ें ना हो, उनको ये डर रहे कि अगर वो इस साल काम नहीं करेंगे या इस जो चुनाव पीरियड है या जो इस टाइम पीरियड उन्हें मिला है अगर उसमें उन्होंने अच्छा वर्क नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव नहीं खड़े हो पाएंगे। इसलिए क्या होता है, लोग हर साल इलेक्शंस होते हैं, हर साल मीन्स कोई ईयरली होता है, कोई 2 ईयर्स में होता है, कोई 5 ईयर्स में होता है, तो कोई इलेक्शन 7 ईयर्स में होता है। तो जो ग्राम सभा का इलेक्शन है ये हर 5 साल में होता है। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाई द गवर्नमेंट। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलिंग मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो अभी तो हम लोगों ने ग्राम सभा के बारे में बात की, पंचायत के बारे में बात की, और जो पंचस थे और वार्ड मेंबर हो गए, सरपंच हो गए, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात की। नाउ देयर इज अ सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी भी अपॉइंट होता है हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसे कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और सेक्रेटरी का रोल क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में जो भी प्रोसीडिंग्स होनी है, हियरिंग्स होनी है, या जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी चीज़ें हो रही हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं, या जो भी कमी है किसी कोई प्रॉब्लम से, इन सारी चीज़ों को लिस्ट आउट वो करता है। और कौन सी मीटिंग कब बुलानी है, कब ऑर्गेनाइज करनी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी की होती है, वो सेक्रेटरी की होती है। कि जो ग्राम सभा अगर बैठी है तो मेंबर्स जो हैं सारे या जो भी पर्सन्स हैं, विलेजर्स हैं, उन सबको कैसे और कहाँ और कितने बजे बुलाना है, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सेक्रेटरी की होती है। ओके सो नाउ लेट्स गेट थ्रू द इंसिडेंट और द स्टोरी ऑफ द
हरदास विलेज, जिसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट जो थिंग थी वो प्लानिंग थी, डिसाइड किया गया था कि जो विलेज की रोड है, विलेज रोड है, गांव की रोड है, उसे ये लोग मेन रोड जो हाईवे वाली रोड है उससे मिलाएंगे, अटैच करेंगे। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम वॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। अ विलेजर कॉल्ड तेजिया बिगिंस द मीटिंग बाई सेइंग, मीटिंग स्टार्ट कैसे करती है, बाई सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज बिकम वेरी अक्यूट, द हैंडपम्प वाटर हैज गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज बीन ड्रिल्ड, वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, वुमेन हैव टू गो टू सुरु रिवर विच इज 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर, वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरु एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई, बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, इट्स बेटर दे फील टू डिपेंड द हैंडपम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस एयर। टीजिया सेज दिस इज नॉट एनफ, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज द ग्राउंड वाटर लेवल्स सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर, वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड। सो हेयर मेम्बर इज हेयर नेम्ड टीजिया, वो पंचायत स्टार्ट करती है, मीन्स मीटिंग स्टार्ट करती है, एंड वॉट सी शेज दैट द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास, जो हरदास विलेज में वाटर प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे। जो हैंडपम्प वाटर है वो क्या हो जा रही है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, स्तर नीचे जा रहा है, तो हैंडपम्प्स में पानी अच्छे से नहीं आता है, और जो ग्राउंड जहाँ पर जहाँ तक हैंडपम्प खुदा है पानी का लेवल क्या है उससे नीचे चला गया है, तो बहुत मुश्किल से ही पानी मिल पाता है, और औरतों को वुमेंस को पानी लेने के लिए विलेज से 3 किलोमीटर दूर सुरु रिवर है वहाँ पे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। तो उनमें से एक जो मैन था वो क्या कहता है, मेंबर है, वो सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना हम सुरु रिवर से पाइपलाइन मींस पाइप वाटर पाइप बिछा दें और एक बड़ा सा टैंक बना दें जिससे कि सुरु रिवर से डायरेक्टली पानी हमारे विलेज तक आ सके। बट बाकी मेंबर्स को ये आइडिया क्या लगता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, इतना पैसा भी तो होना चाहिए ना कोई भी प्लान सेटअप करने के लिए, गवर्नमेंट पूरा पैसा थोड़ी देती है। सो उन्हें ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, तो वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं कि इससे अच्छा तो है, इतने सारा पैसे खर्च करने से अच्छा है कि हम क्या करें, जो हमारे हैंडपम्प हैं उनको और भी ज़्यादा डीप मीन्स और डिग करके और डीप कर दें और पाइप अंदर तक ले जाएं, वाटर लेवल तक पहुँचाएँ, और जो हमारे वेल्स वगैरह कुएँ वगैरह हैं उनकी सफाई करवा दें इस ईयर के लिए, इस साल के लिए। देन द टीजिया सेज दैट इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये काफ़ी नहीं है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम परमानेंटली इस प्रॉब्लम से निजात पा सकें, मीन्स प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। सो we are using more water than is seeping into the ground. Teja says that हम लोग पानी, जितना पानी seeping in the ground means ज़मीन में रिसना से ज़्यादा, जितना पानी ज़मीन में रिसता नहीं उससे ज़्यादा पानी तो हम ही लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए जिससे कि ये जो हर साल की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये जो पानी की प्रॉब्लम है अगर सॉल्व नहीं की गई तो ये साल दर साल क्या होगी, बढ़ती जाएगी। Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. It was called watershed development and he had heard that the government gave money for this work. In his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. Everyone though thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. So what happens, जब ये तेजिया ये सारे incidents बताती है और सारी problems रखती है पंचायत के सामने, तो another member जो होता है अनवर, वो बताते हैं कि मेरे पास एक idea है, मैंने बहुत से जगह पर देखा है, बहुत तरीके देखे हैं water को conserve करने के, means store करने के या तो फिर refill करने के, और उन्होंने से एक तरीका उन्होंने कहाँ पे देखा था, महाराष्ट्र के एक विलेज में जब वो अपने भाई से मिलने गए थे एक बार, और जो इन वो तरीका उन्होंने बताया वो कौन सा तरीका था, वाटरशेड डेवलपमेंट प्लान था। इस प्लान के अंदर जो गवर्नमेंट है हमारी वो भी
अपना मनी इन्वेस्ट करती। मीन्स इस प्लान के लिए गवर्नमेंट भी पैसे देती है। तो उनके गांव के विलेज, जो उनके भाई का गांव था, जो भाई का विलेज था, वहां के लोग क्या करते थे, बहुत सारे पेड़ लगा के रखे थे, जिससे क्या होता था, वाटर लेवल अपग्रेड करता है, क्योंकि पानी क्या होता है, पेड़ों के सहारे उनकी जड़ों में सीप करता है, मीन्स रिसता है। तो इस वजह से बहुत सारे पेड़ उन्होंने प्लांट करके रखे थे, चेक डैम्स बना रखे थे और टैंक्स बना रखे थे जिसमें वाटर क्या हो सके, स्टोर हो सके। सभी को ये आइडिया क्या लगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग लगा, एंड दे डिसाइडेड कि वो लोग इस पे सोचेंगे। और पंचायत के जो मेंबर्स थे, ग्राम पंचायत को क्या कहा, क्या कहा गया, दैट दे हैव टू फाइंड आउट दी डिटेल्स ऑफ दिस प्लान। मीन्स उनको इस प्लान के बारे में सोचने और डिटेल्स निकालने के लिए बोला गया। सो द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। यू हैव ऑलरेडी लिसनड अबाउट द बीपीएल कार्ड। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी मीन्स क्या होता है, गरीबी, और बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग होते हैं, मीन्स जिनके पास पैसे नहीं होते हैं खाने के पीने के, या उनको बहुत, उनके पास जॉब नहीं है, कोई जॉबलेस है, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अनाज जो होता है हमारा उसमें क्या होता है, सरकारी कोटा होता है, सरकारी अनाज जो होता है वहाँ पे छूट देती है कुछ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एजेंडा था ग्राम पंचायत का, वो ये था कि ग्राम सभा का, कि उस दिन बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के जो मेंबर्स थे उनकी लिस्ट फाइनलाइज होनी थी। तो जैसे ही जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स थे, उन्होंने लिस्ट में एक एक लोगों का नाम रिकॉल करना शुरू किया, स्टार्ट किया, वो बताने लगे सबको कि कौन कौन के नाम, कौन कौन लोगों के नाम, किन किन लोगों के नाम उस लिस्ट में मेंशन है। लोग आपस में क्या करने लगे, दे स्टार्टेड विस्परिंग, एक दूसरे में फुसफुसा के बात करने लगे। जो जिसके बगल बैठा था वो कुछ से कुछ ना कुछ फुसफुसाने लगा। तो जैसे ही एक किसी ने सुना नेटवर्क का नाम, तो एक दूसरे से फुसफुसा के जो मेंबर्स थे वो कहते हैं कि नटवर के पास तो अभी टेलीविजन, उसने नई टेलीविजन खरीदी है, और उसके भाई ने उसके लिए एक मोटरसाइकिल भेजी है, वो कैसे इसका गरीब हो सकता है, और उसका नाम इस लिस्ट में क्यों है। फिर दो लेडीज हैं, वो आपस में विस्पर करती हैं, वो कहती हैं कि जो बिरजू है उसके पास तो इतनी सारी लैंड है, तो वो तो गरीब कहीं से हुआ नहीं, तो उसका भी नाम इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो किसके लिए है, सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबर हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट, येट हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट। और जो ओम प्रकाश है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, लैंडलेस लेबर है, मीन्स उसके पास जमीन जायदाद भी नहीं है, उसके पास दो टाइम का खाना ही बहुत मुश्किल से मिल पाता है, मैनेज कर पाता है वो, लेकिन उसका नाम फिर भी इस लिस्ट में नहीं है। और इन सब लोगों के पास इतनी सारी फैसिलिटीज है, फिर भी इन लोगों का नाम लिस्ट में है। तो दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं यू नो दैट नटवर एंड बिरजू, जो नटवर और बिरजू हैं वो अमीर चंद, एक बहुत बड़ा क्या है, जमींदार है, जिसे लैंड ओनर कहते हैं, गांव के जमींदार के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अमीर चंद के पास काफी ज्यादा पावर है, तो इसीलिए क्या होता है कि क्या कहते हैं, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें भाई यहाँ पे सेटिंग है, तो हमें इन सब से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है हमारा नाम नहीं है, है नहीं है उससे रिलेटेड, नहीं इनका नाम है लिस्ट में, दैट्स ओके, इनका नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी ये तो खुद ही हर चीज़ इनके पास फुलफिल हो रही है, इनकी सारी नीड्स फुलफिल हो रही है, बट जो नीडी है उसके लिए तो हम आवाज़ उठाएंगे, हमें ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में डलवाना चाहिए, ऐसा डिसीजन होता है। द सरपंच नोटिसेस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू से। जो सरपंच है वो देखते हैं लोगों को एक दूसरे से फुसफुस करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, एक दूसरे से धीमे धीमे बात कर, विस्पर करके बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या किसी के पास बोलने के लिए कुछ है, किसी को कुछ बोलना है। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक, सरोज उठने की कोशिश करती है, बट सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। जो सरोज है वो सूरजमल को क्वेश्चन करती है किसके बारे में, नटवर और बिरजू के बारे में, बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन जो सूरजमल है वो क्या रहता है, शांत ही रहता है। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, जो अमीर चंद है वो ग्राम सभा में बैठे हुए थे और उनकी नजर सब पे थी। देन सूरज गेट्स अप एंड सेज, सॉरी, देन सरोज गेट्स अप, सरोज उठती है और कहती है कि ओम प्रकाश का नाम इसमें
होना चाहिए। इस जो बीपीएल लिस्ट है, बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट जो है, गरीबी रेखा की ये जो लिस्ट है, इसमें क्या होना चाहिए? ओम प्रकाश का नाम होना चाहिए। अदर्स अग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर, और उसकी इस बात पे बाकी लोग भी सहमत थे, क्योंकि सच में जो ओम प्रकाश है और उसके परिवार है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, गरीब है। द सरपंच आस्क्ड हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। सरपंच लोग भी सोचने लगते हैं कि उसका नाम कैसे भूला जा सकता है, भाई वो तो सच में बहुत ज़्यादा गरीब है। द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिलीज सेज ओम प्रकाश's house was locked when I went there. He may have gone somewhere to look for work. The sarpanch gives instructions that Om Prakash's family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. तो जो सरपंच है वो भी सोचते हैं कि भाई ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं, अगर गांव के मेंबर्स कह रहे हैं इसका मतलब है कि उसको नीड होगी, तभी नहीं तो आज के टाइम पे कोई कहाँ किसी के लिए सपोर्ट लेता है या आवाज़ उठाता है। बट अगर लोग कह रहे हैं तो इट मस्ट बी देयर कि उसका नाम यहाँ पे होना चाहिए। तो जो टीचर था जिसने ये सारा सर्वे किया था कि बीपीएल कार्ड की में कौन कौन सी फैमिलीज आएंगी, क्या क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही कौन सी फैमिलीज, जब उनसे ये क्वेश्चन का पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो ओम प्रकाश का घर है, जब वो सर्वे के लिए गए तो वो क्या था, लॉक था, बंद पड़ा था, मे बी वो काम ढूंढने के लिए कहीं गया होगा। तो सरपंच जो होते हैं वो क्लियर इंस्ट्रक्शन, साफ साफ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ओम प्रकाश के घर फैमिली में जाइए और उनकी इनकम वगैरह पूछिए, पता लगाइए कि उनकी इनकम कितनी है। अगर वो जो गवर्नमेंट की क्राइटेरिया है उससे कम है या जो गवर्नमेंट ने जितनी बोली है उसको फुलफिल कर रही है, तो उनका भी नाम इस लिस्ट में होना चाहिए। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज बीपीएल। बीपीएल इज द बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल कार्ड होता है जिसके थ्रू थोड़े जो हमारे गरीब लोग हैं, अब जो जिनके पास दो टाइम का खाना नहीं है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके लिए ये सरकार की तरफ से एक स्कीम है जिसके थ्रू उनको जो अनाज वगैरह होता है वो सस्ते में मिल जाता है या कभी कभी फ्री में भी मिल जाता है। द ग्राम पंचायत। नाउ व्हाट इज ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। तो ग्राम पंचायत का जो मेन टास्क है वो क्या है कि वो रेगुलर बेसिस पे जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं या विलेज है उसको प्रोग्रेस करने के लिए, मीन्स आगे बढ़ाने के लिए, जो भी अच्छे अच्छे प्लान्स या डेवलपमेंट्स की जा सकती हैं उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, दिस इज़ द मेन रोल ऑफ द ग्राम पंचायत। अभी तक हमने ग्राम सभा के बारे में पता है कि ग्राम सभा क्या होती है, सभा मीन्स मीटिंग, सभा को इंग्लिश में मीटिंग ही कहते हैं। अब ग्राम पंचायत का क्या रोल है इसमें, ग्राम पंचायत का रोल क्या है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, मीन्स विलेज को इम्प्रूव करने के लिए उसमें क्या कमी है, किस चीज़ की शॉर्टेज है या किस चीज़ की ज़्यादा कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स सारी डेवलपमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं, ग्राम पंचायत के अंदर में आती हैं। As you have seen, आपने देखा होगा, the work of ग्राम पंचायत has to be approved by the ग्राम सभा। जो भी ग्राम पंचायत का काम है वो ग्राम सभा के द्वारा क्या होना चाहिए, approved होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। In some states, ग्राम सभास from committees like construction and development committees. These committees include the some members of ग्राम सभा and some from the ग्राम पंचायत who work together to carry out a specific task. आपने बहुत सारे स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में देखा होगा कि जो ग्राम सभा कमेटी है, जो ग्राम सभा है वो एक कमेटी फॉर्म करती है। जब कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमेटीज़, जिस तरीके जब कोई कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट की बात होती है तो वहाँ पे कमेटीज़ फाउंड आउट की जाती हैं, फॉर्म की जाती हैं। और ये कमेटी क्या होती है, इसमें कुछ मेंबर ग्राम सभा के होते हैं और कुछ मेंबर ग्राम पंचायत के होते हैं, जिनका काम क्या होता है, किसी एक साथ काम करके किसी स्पेसिफिक टास्क को कम्प्लीट करना। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। तो नाउ अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हरदास जो विलेज था वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज थी, और बीपीएल कार्ड में भी जो भी सीन हुई थी, हम लोगों ने दोनों चीज़ें देखी कंडीशंस। अब हम लोग देखेंगे कि जो हरदास ग्राम की पंचायत है वो क्या कर पाई। बिफोर रीडिंग दिस देयर इज़ अ टेबल गिवन, नॉट अ टेबल, देयर इज़ अ बॉक्स इन विच
There is some important points are given, so let's get through this point. The work of a gram panchayat includes. अब ग्राम पंचायत का जो work है वो क्या क्या include करता है, उसमें क्या क्या included होता है. The construction and maintenance of water sources, roads, drainage, school buildings and other common property resources. जो भी property resources होते हैं, means common property resources है, schools हैं, temples हैं, कहाँ पे tank बनाना है, कहाँ पे drainage का system रखना है. Drainage means जिस पानी का बहाव किधर जाएगा या रोड किधर से कैसे जाएगी. वाटर सोर्सेज, वाटर हम कहाँ कहाँ से ले आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ हो सकती है. या किसी चीज़ के मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन हो गया तो ये सारी चीज़ किसके अंदर में होती है, ग्राम पंचायत के अंदर में. लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, जो लोकल टैक्सेस होते हैं उनमें छूट देना या उन्हें कलेक्ट करना, ये भी किसके अंदर में होता है, ग्राम पंचायत के अंदर में होता है. एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू द जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जिसके थ्रू जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं या नई नई स्कीम्स होती हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना और एग्जीक्यूट करना, मीन्स उसे इम्प्लीमेंट करना. सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, अब पंचायत के लिए जो फंड होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ होगी चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसके लिए पैसे लगते हैं, तो जो ग्राम पंचायत है उसे फंड कहाँ से मिलता है. कलेक्शन ऑफ टैक्सेज ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेज एक्सेट्रा, जो टैक्स कलेक्ट होते हैं हाउसेज से या मार्केट से या अदर प्लेसेज से, वो किसके पास जाते हैं, ग्राम पंचायत के पास. गवर्नमेंट स्कीम्स फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट थ्रू दी जनपद एंड जिला पंचायत. डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स एक्सेट्रा, सो दीज आर पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द पंचायत गेट्स फंड्स. So now let's get about this story of हरदास ग्राम पंचायत, कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या किया अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. Do you remember the options that were suggested to solve the problem in the ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज. आपको ऑप्शंस तो पता ही होंगे कि दो तीन ऑप्शन दिए गए. पहला कि सुदू रिवर जो है वहाँ से पाइप सिस्टम, वाटर पाइप लगा के टैंक बना दिया जाए जिससे कि पानी इजीली अवेलेबल हो सके, बट ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था. सेकंड थिंग थी कि इस सीज़न के लिए हम लोग जो हैंडपम्प्स हैं उसको और ज़्यादा अंदर तक मतलब हाई डिग करवा दें, और क्या जिससे कि पानी का लेवल हैंडपम्प के तक पहुंच जाए और जो वेल्स वगैरह हैं उनकी सफाई कर दी जाए. थर्ड क्या था कि जो सिस्टम महाराष्ट्र में जो अनवर था उसने जो सिस्टम बताया था कि वाटर शेड डेवलपमेंट, जिसमें कि वाटर का कंजर्वेशन होता है या रिफिलिंग होती है, उस डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए. ये तीन तरीके हम लोगों ने पढ़े थे. वंदी हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन बाय सम मेंबर्स पंचेस. तो जब दोबारा मीटिंग रखी गई तो ये वाला पॉइंट कुछ मेंबर्स के द्वारा, मीन्स जो पंचेस थे उनके द्वारा ये पॉइंट रखा गया. This meeting was attended by the sarpanch, ward members and the secretary. और ये जो meeting होती है इसमें कौन कौन था present था, सरपंच और जो ward member जिन्हें हम पंच कहते हैं, and the secretary who is appointed by the government. The gram panchayat members first discussed the suggestion to depend two hand pumps and clean one well. तो जो ग्राम पंचायत के members थे उन्होंने पहला सजेशन क्या डिस्कस किया कि वो दो हैंडपम्प्स को क्या करें, और डीप और गहरा करवा दें और एक कुएं को की सफाई करवा दें, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर. तो जिससे कि क्या हो, जो कोई भी गांव के लोग हैं वो बिना पानी के ना रहें, या गांव में पानी की स्थिति थोड़ा ठीक हो जाए. दी सरपंच, जो पंचायत के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या सजेस्ट किया, दैट सिंस दी पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प्स, दिस कुड बी यूज फॉर कम्प्लीटिंग दिस वर्क. तो जो पंचायत के प्रेसिडेंट थे, सरपंच थे, उन्होंने कहा कि जैसे कि हमें मेंटेनेंस के लिए, हैंडपम्प्स वगैरह के मेंटेनेंस के लिए पैसा मिला है, तो क्यों ना हम इन पैसे को इस वर्क को कम्प्लीट करने में लगा दें. द मेम्बर्स अग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन. तो इन सारे मेम्बर्स जो थे वो इस पे क्या हो गए, अग्रीड हो गए, मान गए, और जो सेक्रेटरी था उसने इस डिसीजन को क्या किया, रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये काम सेक्रेटरी का होता है कि जो भी डिसीजंस हो रहे हैं या मनी कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है वो सारी चीज़ें वो नोट डाउन करके रखे, रिकॉर्ड उसका होना चाहिए. सो द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शंस फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. लेकिन जो मेंबर्स थे उनका डिसीजन, उनको उनका डिस्कशन ये था कि वो
ये जो प्रॉब्लम है ठीक है अभी तो रिसॉल्व हो जाएगी, बट नेक्स्ट ईयर फिर यही प्रॉब्लम आएगी। तो वो जो थे वो ये चाह रहे थे कि जो ये सॉल्यूशन निकल रहा है वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकले, मीन्स एक इस प्रॉब्लम का निजात मिल जाएगी, ये हर साल की दिक्कत ना रहे। देवर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट मीटिंग। सम पंचज आस्क्ड वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम वुड मेक अ सब्सटेनल डिफरेंस टू द वाटर लेवल। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड। इन द एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। तो अब क्या होता है कि जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं वो अगली मीटिंग में और सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन जो कुछ पंच थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस स्कीम के बारे में पूछा जो वाटरशेड स्कीम थी, जिसमें गवर्नमेंट भी मनी इन्वेस्ट करती है और जिसमें वाटर स्टोर होता है। तो उनका ये कहना था कि क्या लोग आप लोगों को लगता है कि अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये वाटरशेड डेवलपमेंट का जो प्लान है, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो हमारे पानी का लेवल है, वाटर लेवल है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब ऊपर बढ़ेगा, क्या कोई डिफरेंस आएगा उसमें। अलॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, बहुत सारे डिस्कशंस होते गए एंड इन द एंड लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला कि जो ग्राम पंचायत है वो किसको अप्रोच करेगी, वो किससे बात करेगी, जो पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर है उनसे बात करेगी और इस स्कीम के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालेगी कि ये स्कीम वर्क करती है या नहीं करती है, इसको यूज करने से हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें के बारे में डिस्कशन करने के लिए उस मीटिंग का कंक्लूजन लास्ट में ये निकला। सो हियर यू कैन सी वाटरशेड मैनेजमेंट हैज़ ट्रांसफॉर्म दिस बैरन स्लोप टू अ ग्रीन मेडो इन जस्ट 2 ईयर्स। यू आर सीइंग देयर आर टू पिक्चर्स। इन द फर्स्ट पिक्चर देयर इज अ बैरन लैंड, मीन्स बंजर जमीन है, एंड द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी द वाटर एंड द ग्रीनरी ओवर हियर। सो ये किससे हुआ है, वाटरशेड मैनेजमेंट, जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम था, मैनेजमेंट था, उसकी वजह से 2 साल के अंदर ही ये जो बैरन लैंड, बंजर जमीन थी जहाँ पे पानी का कोई भी नामो निशान नहीं था, वहाँ पे क्या हो गया, पानी तो पानी और साथ ही साथ ग्रीनरी भी, ग्रीन ग्रासेस और सारी चीज़ें भी आ गई। मीन्स क्या हुआ, दिस इज द रिजल्ट दैट द वाटर लेवल हैज़ बी इंक्रीज्ड। वाटर लेवल क्या हुआ, ऊपर बढ़ा। और 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लेवल्स ऑफ पंचायत। आफ्टर रीडिंग अबाउट वॉट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। सो पंचायती राज बेसिकली इज अ प्रोसेस जिसमें लोग खुद से पार्टिसिपेट करते हैं अपनी गवर्नमेंट में। मीन्स वो जैसे अभी हमें क्या है, हमारे अंदर पावर नहीं है कि हम जाएं अपनी प्रॉब्लम को रखें, डिस्कशन करें, या हमें नरेंद्र मोदी के पास जाना है तो हम जाएं उनसे और अपनी प्रॉब्लम बोलें कि हमें यहाँ हमारे एरिया में ये दिक्कत आ रही है, आप ये सजेशंस हैं, आप इस पर वर्क करिए और ऐसी ऐसी चीज़ें करिए। वी कांट डू दैट। बट इन पंचायती राज सिस्टम ये जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस होता है, पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग अपनी गवर्नमेंट से अपने तरीके से बात करते हैं और अब खुद के तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट ईयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। रूरल एरियाज हैं वो, ग्राम पंचायत क्या है, फर्स्ट ईयर, पहला चरण है किसका, लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक तरह से कह सकते हैं कि इंसान खुद से डिसीजंस ले सकता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स फ्रीली, मीन्स सबको अपना राइट है अपनी बातें कहने का, अपनी चीज़ें मनवाने का या अपने काम करने का। ओके, सो द पंचेज एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज़ द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्ट देम। जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं उन्हें ग्राम सभा का आंसर्स करना होता है। मीन्स ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं अगर वो कुछ भी पूछ रहे हैं तो ग्राम पंचायत जो है उसे उनका रिप्लाई करना होता है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के मेंबर्स ही हैं जो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं। ये जो ग्राम पंचायत में मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ग्राम सभा के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा। तो इट इज देयर ड्यूटी, यू कैन से दैट दे हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द ग्राम सभा मेंबर्स। दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू 2 अदर लेवल्स। वन इज द ब्लॉक लेवल एंड विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत। ठीक,
और दी पंचायत समिति। तो इस तरह से पीपल का पार्टिसिपेशन जब देखा गया तो पंचायती राज सिस्टम किसमें हो गया, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ, बढ़ता गया, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मींस दो लेवल में डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट लेवल था उसे क्या कहा जाता है, ब्लॉक लेवल, जिसे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहते हैं। द पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत अंदर, जो पंचायत समिति होती है उसके अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत मेंबर्स होते हैं। अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला पंचायत। अब ये तो पंचायत समिति हो गई, ये एक अंडर में होती है, मींस गांव के सारे चीजों को लेके, सारी चीजें जो भी डिसीजन वगैरह होती हैं ये पहले किसके पास जाती हैं, ग्राम पंचायत के पास आती हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है कि इसके अबव ग्राम समिति के ऊपर क्या आ गई, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। जिला परिषद के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिला परिषद का चुनाव वगैरह भी होता है। जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो जिला परिषद है उसका क्या क्या होता है कि जिला परिषद गांव के तरीके से सोच के नहीं आता, गांव के लेवल पे कोई भी चीज़ें नहीं करता वो, उसकी जो डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं, वो डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, वो किस लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ना कि गांव के या छोटे लेवल पे होते हैं। विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितीज इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। और पंचायत समितीज की हेल्प से जो जिला परिषद है वो कहाँ कितना मनी जाना है, कहाँ कितने की ज़रूरत है, कैसे रेगुलेट करना है मनी को, किस वे में, ये सारी चीज़ें की जो डिस्कशंस होते हैं या जो हेल्प होती है वो किससे मिलती है, ग्राम समिति के मेंबर्स से मिलती है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। सो जो गवर्नमेंट या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की गाइडलाइंस है उसको नज़र में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हर कंट्री के अपने अलग अलग लॉ हैं ग्राम पंचायत को लेके, ठीक है। लेकिन जो आइडिया है ग्राम पंचायत को लेके, हर किसी का एक अलग रूल्स है, रेगुलेशंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। बट जो आइडिया है हमारे ग्राम पंचायत के होने का वो क्या है, टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस, मीन्स लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले जिससे वो अपनी बातों को रख सकें, अपनी आवाज़ को उठा सकें, ठीक है। सो दिस वॉज द चैप्टर अबाउट दी पंचायती राज। वॉट इज पंचायती राज? पंचायती राज इज अ प्रोसेस इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट, मीन्स लोग अपनी अपनी गवर्नमेंट के साथ अपने अपनी गवर्नमेंट वे में अपने तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं अपनी गवर्नमेंट में, ठीक है। मीन्स किसी को यहाँ पर डर नहीं होता है कि वो क्या बोले या ना बोले, लोग अपनी प्रॉब्लम को फ्रीली होके एकदम होके सामने रखते हैं, अपने वॉइस को उठाते हैं, सारी चीज़ों को अपने उनके अंदर जो भी आइडियाज़ होते हैं या जो भी सजेशंस होते हैं वो देते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरेक्शन होता है लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन सब के बीच में, या जो मेंबर्स हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन सब के बीच का क्या होता है, जो कोरिलेशन है वो आमने सामने होता है। बट वॉट वी यूज टू डू, हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमने अपना पसंदीदा लीडर जैसे प्राइम मिनिस्टर की बात कर ले, नरेंद्र मोदी जी की, नवी, तो हम लोगों के यहाँ क्या होता है, हम लोगों होता है वी आर सपोर्टिंग दी बीजेपी, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे हम, जाके अपने इलेक्शन में गए, हमने वोट दिया, वोट दे के आ गए, उसके बाद क्या हुआ, ना वो हमें जान रहे हैं ना हम उन्हें जान रहे हैं। ओके, तो पंचायती राज क्या होता है, एक अलग प्रोसेस है जिसमें लोग अपने तरीके से अपनी खुद की बातों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रख सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जो ग्राम पंचायत का मेन आइडिया है, मेन रीज़न है, मेन उनका जो एम्बिशन है वो क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगह दे सकें, मीन्स इंक्लूड कर सकें कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने आवाज़ उठा सकें। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ रीड दिस चैप्टर वंस अगेन सो दैट यू विल बी एबल टू नो मोर अबाउट दी ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। सो नाउ वॉट यू हैव टू डू इज टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दी ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत।
दिस इज योर होमवर्क, डू इट एंड टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास. टेल देम थैंक यू ऑल ऑफ यू.